तो हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन के लिए वीडियो। जैसे कि देख सकते हो आगे मेरे बहुत ही प्यारा बॉय खड़ा है जिसका नाम है शैडो। प्योर वाइट कलर में अमेरिकन पिटबुल है विथ ऑड आइज। जैसे देख सकते हो एक आइज ब्लू है, एक आइज ब्राउन है। बहुत ही बेहतरीन मसल्स क्वालिटी वाला डॉग गार्डिंग पर्पस के लिए। जैसे इसकी बात करूँ देख सकते हो एकदम फुल्ली पावरफुल ना चुएगा। शैडो स्पीक भाई, बोल 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 बोल। तो बात शुरू करते हैं यहाँ से। शैडो शैडो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। शैडो ये हमारा शैडो है, तकरीबन 2.5 साल का। हाँ 2.5 साल का हो चुका है और बहुत ही प्लेफुल बॉय है और बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग है। इसकी एज तकरीबन 18 महीने 2 साल कह रहा हूँ, 2 ईयर कंप्लीट करने वाली है। देख रुक तब प्यारा है। लोग कहते हैं कि अमेरिकन पिटबुल अग्रेसिव होता है, जबकि मुझसे कई महीने बाद मिल रहा है आज ये। आज इसकी वीडियो शूट करनी थी तो मैं आया कि शैडो की वीडियो शूट करनी है, काफ़ी लोगों की डिमांड में। हाँ शैडो, शर्माते नहीं, आओ इधर आ जाओ। बुग्गू बुग्गू क्या हुआ? ठीक है, गुड बॉय। तो जैसे कि आप देख रहे हो शैडो है बहुत ही चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा सिंसेयर है, एकदम एक्टिव डॉग। और जैसे कि अभी थोड़ा बहुत नॉइज़ आ रहा है इधर उधर से, आप देख लो डॉग्स की, तो उसकी तरफ ये पूरा ध्यान दे रहा है। तो इस टाइप का डॉग है। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की। अगर मैं इनकी हाइट की बात करूँ तो इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, उसमें अलग अलग हाइट आती है। जैसे कि स्टैंडर्ड पिटबुल है, अमेरिकन पिटबुल टेरियर है, अमेरिकन पिटबुल एक्सेल है। और कलर्स का भी बहुत सारा वेरिएंट रहता है। आपको ब्लू कलर मिल जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा, ब्राउन कलर है, फॉन कलर है, लीवर कलर है। लेकिन जो सबसे कम मिलता है प्योर एंड वाइट, ताकि प्योर वाइट पिटबुल। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार होता है एक माइनर सी माइंड के अंदर रहती है कि वाइट पिटबुल को लोग डोगो अर्जेंटिनो बना के दे देते हैं। तो ये डोगो अर्जेंटिनो नहीं है, वो थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। इसी का साथ रहता है, इसी का भाई है, पर दोनों में कभी बनती नहीं है। ये है, दोनों में कभी बनती नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने के उसमें रहते हैं। काफ़ी केयरफुली हमें रखना पड़ता है ताकि दोनों में कभी लड़ाई ना हो। बहुत ही प्यारा बॉय है, देख सकते हो उसका। जैसे शैडो इधर घूमना बेटा, बगू इधर घूमो। हाँ ले मान जा भाई। अगर इसके मतलब बॉडी लेंथ की बात करो तो लेंथ आप देख सकते हो पूरे बॉडी पे जो कट्स बने हुए हैं, बीच में पूरी लाइन बनी हुई है एक तरीके से। लाइव अगर आप आओ तो आप देख भी पाओगे कि इसके किस तरीके से मसल्स बिल्डअप हुई पड़ी है। अब बात करते हैं हम फीड की, कि इन्हें हम फीड क्या देते हैं। तो इसकी फीडिंग स्टार्टिंग में जब ये पपी था, मैं तब से आपको बताता हूँ और आज तक की मैं आपको पूरा रूटीन समझाता हूँ। जब ये पपी हम छोटा लाए थे तो इसकी फीडिंग रॉयल कैनिन से स्टार्ट की थी, क्योंकि बहुत ही प्यारा था। तो इसके पीछे हमें माइंड में कभी दिक्कत ये भी सोचनी नहीं कि नहीं भाई पिटबुल है तो उसे पेडिग्री दो, क्योंकि नॉर्मल उसके बच्चे ज़्यादा महंगे नहीं बिकेंगे। तो हमारे माइंड में कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं इसको लेके। ये लगाव बहुत ही अच्छे तरीके से था, तो केयरिंग में भी हमने कभी कमी नहीं छोड़ी, जिसका रिज़ल्ट आज ये खुद सामने है। इसकी स्टार्टिंग रॉयल कैनिन का फीड स्टार्टर था और साथ में हम दही देते थे, सिर्फ रॉयल कैनिन और दही, उसके अलावा कुछ भी एडिशनल नहीं था, एक तरीके का प्रोटीन सप्लीमेंट भी नहीं, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से तैयार करना था। फिर उसके बाद जैसे हमारे स्पेस में थोड़ी बहुत कमी आ गई, फिर हमने इन्हें अलग जगह सेटल्ड किया ताकि उस जगह इनको सही से अच्छे से रखा जाए टेम्परमेंट में। बात करूँ तो दिल्ली का मेरा वो कोने से इस कोने में है, ये प्रॉपर दोनों साइड अपोजिट डायरेक्शन पड़ जाती है, बहादुरगढ़ और बदरपुर बॉर्डर में। लेकिन फिर भी राहुल भाई ने इसका शुरू से लेकर अब तक बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर इतना पावर है, वो बचपन का खिलाया हुआ रॉयल कैनिन अभी तक इसके शरीर में दिखता है ना शैडो, है ना? हाँ हाँ कह रहा भाई। फिर बात करते हैं कि जब ये थोड़ा मैच्योर होता है तब हम फीड में क्या देना शुरू किया हमने। तो
उस समय की फीड में जैसे ये 3 to 4 months का हुआ तो हमने थोड़े से चेंजेस किए. रॉयल कैनिन की जगह हमने फीड में यूज़ करना शुरू कर दिया स्मार्ट हर्ट. स्मार्ट हर्ट शुरू कर दिया क्योंकि वो हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी था और उसके अंदर बात करें फैट की और प्रोटीन की तो वो रॉयल कैनिन के कंपेरेबल में एकदम सेम था, क्योंकि इसकी डाइट ज़्यादा थोड़ी बढ़ चुकी थी तो हमें अफोर्ड करने में रॉयल कैनिन दिक्कत हुई. फिर सेम हमने स्मार्ट हर्ट में यूज़ किया, ऐसे स्मार्ट हर्ट में भी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से था. फिर उसके साथ हमने कुछ एग्स वगैरह, मतलब सुबह 2 egg और शाम को 2 egg स्टार्टिंग की, शुरू के 15 days तक. फिर उसके बाद हमने 15 days आफ्टर इन्हें चिकन वगैरह देना भी चालू कर दिया. चिकन हो गया आपका. फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ आप जैसे वीडियो में भी देख रहे होंगे कि ये पूरा इलाका खुला पड़ा है. हमें गार्डिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छे डॉग चाहिए जो कि चीज़ों को चोरी होने से, ओ देख सकते हो ना अटैक मोड ऑन, कुछ भी देखती नहीं है, कुछ पता नहीं है, नहीं है, सेट 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 सेट. तो फिर हम बात करते हैं, फिर इसका 3-4 months फिर हमने स्टार्टिंग कर दी चिकन के पंजे और नॉर्मली बोनलेस चिकन, ताकि दिक्कत इसे ज़्यादा ना हो, क्योंकि बोन के लिए हम दे रहे थे पंजे और चिकन. फिर उसके अंदर धीरे धीरे कुछ ऐड किया, लाइक आपका जैसे मीट होता है आपका सूअर वगैरह का, हमारे यहाँ ईजिली मिल जाता है. रेड मीट में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जिन्हें गोट यूज़ करना है गोट, बीफ वगैरह जो भी आप लोग नॉर्मली अवेलेबल होता है वो यूज़ किया जाता है. तो हमने तो इसके लिए स्टार्टिंग में हमारे यहाँ तो नॉर्मली शॉप्स वगैरह अवेलेबल है जिन पे सुअर का मीट मिल जाता है, जो इनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अच्छा प्रोटीन ऑफ सोर्स होता है और फैट सोर्स अच्छा होता है, और उससे इसकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हुई. अब बात करते हैं इसके मैच्योर एज की. मैच्योर एज की अगर बातें करूं तो शेडो अपने मैच्योर एज से अभी तक की स्टोरी में बात करें तो अब लग ये अब 8 to 9, 8 to 10 पपी का फादर बन चुका है, जिसमें से कुछ पपी दिल्ली में है और कुछ पपी दिल्ली के बाहर गए हैं. बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी उनका तैयार हो रहा है, जो आने वाले टाइम में मैं आपको दिखाऊँगा कि शेडो के पपीज़ कैसे तैयार हुए हैं. फिलहाल तो आप शेडो को देख सकते हो, 1 and only वाइट पिटबुल, प्योर वाइट पिटबुल इन ओड आइज. मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर ये मेरे सिर्फ मेरे भाई के पास है, और बहुत ही लाजवाब मेहनत कर रहा है मेरा भाई. मैं अभी आपको दिखाऊँगा, जो कि दीवाना है इस चीज़ का और बिल्कुल मेरी तरह हार्ड वर्किंग है और इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से वो रखता है. तो थोड़ा सा बात करते हैं अब हम इसके क्वालिटी के बारे में. अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो इंडिया के अंदर ये ब्रीड रजिस्टर्ड नहीं होती, अमेरिकन पिटबुल रजिस्टर्ड नहीं होता किसी भी क्लब में, और जिसकी वजह से हम कितनी भी अच्छी क्वालिटी तैयार कर ले, लेकिन हमारे प्राइस के कंपैरिजन और चीज़ों की कंपैरिजन अदर ब्रीडों से ही की जाएगी तो ये नहीं है. आप देख सकते हो इसका इसका हेड साइज़, नेक साइज़, शोल्डर साइज़. आप थोड़ा कैमरा पास में ले आना भैया, आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आ सकते हो, देख सकते हो. आप देख सकते हो जो पिटबुल की सब बंदे ढूंढते हैं मसल्स, इसकी मसल ग्रोथ देख सकते हो, हेड से लेकर बैक तक बिल्कुल लाइन बनी हुई है, जैसे कि हमारे बॉडी शेप में इस तरीके से होती है, वो इनके बैक पे शो होती है. ये नेक्स्ट, ये रहा हमारा पिटबुल शेडो. शेडो आपने देखा, शेडो है, बहुत ही फ्रेंडली डॉग है, बहुत ही पावरफुल ब्रीड है. और अब इसकी बात करें मैच्योर पे, इसके बहुत लोगों की क्वेरीज आने वाली है, मुझे पता है कि हमें पिटबुल की मेटिंग चाहिए, तो इसकी मेटिंग भी हमने अवेलेबल रखी हुई है, बट कोई पब डील नहीं है, कैश मेटिंग अवेलेबल है. जिन बंदों को मेटिंग चाहिए वो एडवांस से बुकिंग कर सकते हैं इसकी इस स्टॉक की मेटिंग के लिए, जो कि कैश में है, सिर्फ कैश डील, कोई पब डील नहीं है.
अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, आप अपना स्लॉट 10 दिन पहले बुक कराएं ताकि आपको सही मीटिंग मिल पाए। थैंक यू।